ये गौर टाउन के लिए हम जा रहे हैं। ये रोड नॉर्दर्न बाईपास से एक डबल रोड अंदर की तरफ जा रहा है, डबल रोड है और जबरदस्त बना हुआ है। यहाँ पे आगे जाएंगे गौर टाउन आएगा, गौर टाउन और अलगफूर भी, इसके आगे फिर आपको दोबारा बताते हैं। ये देखें गौर विलास पे आ गए हम उसी डबल रोड के ऊपर, और इसकी इस फॉर स्कीम 45 है। ये नॉर्दर्न बाईपास से डबल रोड जो अंदर आ रही थी उसमें गौर विलास, यहाँ पर ये डबल रोड खत्म होती है, यहाँ से सिंगल रोड स्टार्ट है। इस साइड पे भी डबल रोड है लेकिन ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये भी प्लान में डबल रोड ही होगा लेकिन अभी यहाँ पे सिंगल ही चल रहा है। इस रोड को आगे फॉलो करेंगे। ये सीधी अभी जो नया प्रोजेक्ट आया है और बहुत बड़ा बिल्डर है GFS बिल्डर, इन्होंने नॉर्थ टाउन 4 बुलान प्लैटिनियम लॉन्च किया है। राइट इन साइड पे GFS के बिल्कुल अपोजिट अलगफूर का प्रोजेक्ट है, वो अलगफूर वालों ने 30 लाख रुपए में 120 गज प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, और यहीं पर आपका नाफियो का भी प्रोजेक्ट है। कहने का मकसद ये है कि ये जो अब आने वाले जो अक्सर लोग ढूंढते हैं इन्वेस्टमेंट्स कहाँ करें, तो आपको इन्वेस्टमेंट वहाँ करनी है जो 3 से 4 सालों में जाके जो एरिया आबाद होना है। यहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल है आपके इन्वेस्टमेंट्स की, ताकि आप जो पैसा यहाँ पे लगाएंगे तो प्रीमियम आपका डबल ट्रिपल आप यहाँ पर इंशाल्लाह 2-3 सालों में गेट करेंगे। और इसी रोड पे 2.5 किलोमीटर आगे हमारा फार्म हाउस है, RMT फार्म हाउस 2000 गज है और लीज प्लॉट है, 99 साल मारूसी है, 2000 का एक प्लॉट है, 2000 का एक प्लॉट है। तो ये हम दे रहे हैं 60 लाख रुपए में इंस्टॉलमेंट में, 6 महीने की इंस्टॉलमेंट है। तो 60 लाख रुपए में आप सोच लें कि क्या चीज़ आती है शहर में, कुछ नहीं आता। तो ये है कि ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट प्लान है, और मैं यही राहिल भाई को बता रहा था कि आज विजिट पे भी हम लोग निकले हैं यही देखने कि आने वाले वक्तों में ये क्या प्रीमियम देगा। डेफिनेटली इतने सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं यहाँ पर और हज़ारों की तादाद पे यहाँ पर घर बनने जा रहा है, और ये आपके सामने स्कीम के अलगफूर और ये GFS वाले, तो ये जब आबाद होगा एरिया तो ये पूरा म्यांमार है ना। पहले आज से 10-15 साल पहले म्यांमार कैसा था, और आज म्यांमार देखें फुल पॉपुलेटेड हो गई है, आज रेट्स भी डबल ट्रिपल हो गए, हाथ से निकल गए। तो यहाँ भी ऐसे ही होगा। तो इस एरिया को आप लोग कंसिडर करें, विजिट करें और दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू। और ये हमारे साथ जो है सो UK मार्केटिंग के CEO बैठे हुए हैं, तो इनका भी चैनल आप बता दें, उनका चैनल के लिंक में दे देंगे। डील्स मार्केटिंग का मेरा चैनल है, डील्स मार्केटिंग में आप जाके फार्म हाउस की भी डिटेल्स आप ले सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको सारी डिटेल्स वहाँ पर मिलेगी, और भी बैरियर टाउन के से रिलेटेड भी सारे प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स आपको हमारे पेज में, फेसबुक पेज में डील्स मार्केटिंग और यूट्यूब पे आपको मिलेगी। थैंक यू। डील्स मार्केटिंग को भी सब्सक्राइब करें। देखिए अलगफूर की बाउंड्री अभी तक यहाँ चल रही है, अलगफूर ने आगे 1 किलोमीटर के बाद फिर एक लैंड परचेज करी है, तो इसका मतलब है कि डेवलपमेंट आपकी बिल्कुल सीधी की तरफ जा रही है। और इसके लोकेशन मैप भी मैं शेयर करूंगा आपकी वीडियो में, तो वो भी देख लीजिएगा। और फार्मिंग अभी ये प्लेस बना हुआ है काफी, फार्म हाउसेस भी यहाँ पे बहुत सारे आ रहे हैं और आएंगे भी, और कैटल फार्मिंग भी हो रही है। अलगफूर ने यहाँ पे फिर लैंड परचेज किया, यहाँ पे दोबारा बाउंड्री वॉल बनाई हुई है अपनी। ये भी कैफोर का भी प्रोजेक्ट इधर ही आया है, कैफोर भी गुजर रहा है इधर से, तो पानी की भी आपको कैफोर किसी किस्म की तंगी नहीं होगी, और इलेक्ट्रिसिटी भी इस एरिया में है, आगे बोर्डों में भी इलेक्ट्रिसिटी है। ये आ गए हम पूरे फार्म हाउस है, अंदर 10-12 फार्म हाउस है, गार्ड्स बैठा हुआ है, पूरी सिक्योरिटी है। टोटल कितने बड़ा लैंड का पीस है, 26 एकड़ की जमीन है, 2000 गज की उन्होंने प्लॉटिंग काटी है फार्म की, मस्जिद बनाई है। चलो इधर आके वापसी में नमाज भी पढ़नी इंशाल्लाह, हम भी अंदर एक छोटी सी मस्जिद रख लेंगे, जाने मात्र बना देंगे अपने मौसम में। हम भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से असल में आए, मैं और उस्मान भाई यहाँ पे 2000 गज के 2 प्लॉट देंगे इंशाल्लाह, अपने फार्म हाउस बनाएंगे तो आपको दावत देंगे। अभी आपको रेट्स भी बताएंगे इसको वीडियो के आखिर में, फिर आप बताइएगा कि इस रेट के अंदर आपको ये चीज़ मिल सकती है कहीं और। ये दुआ ग्रीन से देख, इनके पास पार्किंग नहीं है, जगह देख कैसे काटा है इन्होंने, देख रहे ये सबके सबके अलग अलग बने हैं। चलो चलो।
सूरती गोट फार्म गया गया, ये दुआ ग्रीन से है, वो सूरती था, ये दुआ ग्रीन से है, सबके अलग अलग फार्म हाउसेस बने हुए हैं, ब्रशी वाला भी है, ये आरएमटी की पूरी बाउंड्री है, ये इसका गेट है, ये हम यहाँ पहुंच गए हैं। ये हम आरएमटी के अंदर आ गए, माशाल्लाह जबरदस्त लग रहा है मुझे तो। ये जो बाउंड्री वॉल्स हुई हैं, लोगों ने अपने अपनी बाउंड्री वॉल्स लगाई हैं। 5000 गज की है, ये 5-4000 गज की है, बीच में पार्क भी है। अच्छा, सबसे अच्छी बात है, राहुल भाई वीडियो में दिखा है, ये रोड दिए ना, मैं जितने भी फार्म हाउस में घुसे वो 20 फीट के रोड दिए, इधर उन्होंने 80 फीट के रोड दिए, पूरा एक कंटेनर घूम सकता है। अच्छा, ये जो है ना, ये 2000 गज का है, ये 2000 गज का है, ये 2000 गज का है, ये सबने ये बाउंड्री वॉल्स अपनी खुद लगाई है, प्राइवेट खुद लगाई है, प्राइवेट सबके अपने प्राइवेट है, डिमार्केशन हुई है, जगह दे दी है। अच्छा, डिमार्केशन के बाद, पोजीशन के बाद इन्होंने ये किया है, दिखाएंगे। ये 2000 गज का एक फार्म है जिसकी एक कटिंग होगी 2000 गज की कटिंग पे, यहाँ पे लाइन से सारे फार्म्स हैं, और ये 2000 गज का एक प्लॉट है जो कि सफिशियंट है किसी एक अच्छे से फार्म हाउस के लिए, या किसी को कैटल फार्मिंग करनी है, जो भी करना है वो प्राइवेटली अपना यहाँ पे कर सकता है, और 2000 गज का एक है। तो मैंने तो उस्मान के साथ ये प्लान किया है कि हम यहाँ पे एडजस्टेंट दो फार्म्स ले लें, सेंटर की दीवार ना यूज लगाएं, और दोनों के अपनी अपनी ओनरशिप हो, हाँ, और आप 4000 गज के ऊपर अच्छा सा बड़ा सा फार्म बनाएं, तो उसको रेंट भी कर सकते हैं यार, ये बहुत अच्छी कमाई है, करें, कितना सेफ प्लेस है, और इतना, और आप इसको मतलब रेंट पे भी दे सकते हैं वीकली या डेली बेसिस के ऊपर, जो जाते हैं 15-20 हज़ार रुपए का आपको मिल जाता है रेंट पे जाता है। हाँ, और कराची में तो आपको पता है ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा ही है, बीच में बड़ी सी चौरंगी बनाई हुई है इन्होंने, पूरा कंटेनर आराम से घूम सकता है, रोड देखें, ये रोड पूरा मतलब 3 कंटेनर एक वक्त में एक साथ भी चल सकते हैं इस रोड के ऊपर। तो ये हम एंट्रेंस की तरफ फेस है हमारा, वो बाहर गेट नज़र आ रहा है आपको, इधर इधर से हम अंदर आए, ये बीच में राउंड अबाउट है, ये चारों तरफ से आप ऐसे देखें, देखें कम से कम 50 फीट से 60 फीट की रोड है ये, और ये सारे फार्म्स हैं 2000 गज के, इस ब्लॉक से लेके इस ब्लॉक तक 80 फीट की लग रही है मुझे। इसकी कीमत जो है इस वक्त कितनी है भाई, बता देते हैं, बताएं बताएं, कीमत इसकी सिर्फ 60 लाख रुपए है, 60 लाख रुपए में ये आपको पूरा 2000 गज आपके सेल डीड लीज के साथ मिलेगा, 99 साल की लीज, 99 साल की, जैसे घर आप लेते हैं और घर की आपकी लीज चलती है, इसी तरह इसके डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत 60 लाख रुपए, और इंस्टॉलमेंट प्लान भी है, इंस्टॉलमेंट प्लान भी है, 6 महीने का है, 1-2 महीना हम ग्रेस भी कर लेंगे, 8 महीने के अंदर 60 लाख रुपए पे 2000 गज, 50% में हम पोजेशन भी दे रहे हैं, और आप मतलब आप 60 लाख रुपए का मतलब है 6 लाख रुपए पर मंथ देना है, तो अगर आप 5 लाख रुपए पर मंथ देते हैं तो तकरीबन 12 एक आपको डाउन पेमेंट तो आपको 10 लाख की करानी पड़ेगी। अच्छा, फिर आप 6-7 मतलब आप प्लान बना लें ऐसा कि 8 महीने के अंदर अंदर आप पे ऑफ कर दें पूरा, और जब 50% पेमेंट हो जाएगी तो फिर आप इसको पोजीशन ले लें, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर लें, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर लें, और लेकिन जब 100% पेमेंट होगी उसके बाद ही ऑब्वियसली लीज उसके बाद होना है, मिलती 2 किलोमीटर में बिल्डर्स आ गए हैं, रेट बढ़ जाएगा इसका, और हम इसका रेट इंशाल्लाह ताला 1.5-2 सालों में ये आपको 1 करोड़ 20 लाख 1 करोड़ 30 लाख रुपए में ये चीजें मिलेगी। अगर आप खुली जमीन लेने जाते हैं एकड़ों में 200 गज एकड़ 100 एकड़ तो ये रेट मिलता है 1.25 करोड़ एकड़ है, अगर 1.25 करोड़ एकड़ करते तो वही बात आ जाती है 60 लाख रुपए 2000 गज का। देखो एक और क्वालिटी दिखाओ, देखो एक वक्त में यहाँ पे सूरज भी निकलता है और एक वक्त में चांद भी निकलता है यार, ये बड़ी जबरदस्त बात है, जबरदस्त। चले हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और दोबारा मिलते हैं नई लोकेशन के साथ, इंशाल्लाह चैनल में मजीद हम अपडेट करते रहेंगे, तो ये अच्छी इन्वेस्टमेंट की जगह है, तो हम आप तक हमारा काम था आप तक पहुंचाना, थैंक यू।